नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। तो दोस्तों, हम आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार गणेश चतुर्थी की संपूर्ण पूजा करने की विधि और स्थापना और शुभ मुहूर्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो दोस्तों, हम बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 सितंबर दिन शुक्रवार यानी आज मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। गणपति पूजन में बहुत से लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति बप्पा का आयोजन करते हैं, और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को धूमधाम के साथ विदाई देकर विसर्जन करते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए गणपति स्थापना पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 12:17 पर अभिजीत मुहूर्त से शुरू होगा और रात 10 बजे तक पूजन का शुभ समय रहेगा। इस साल गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन 11:09 से 10:59 तक पाताल निवासिनी भद्रा रहेगी। शास्त्रों के अनुसार पाताल निवासिनी भद्रा का योग शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी पूजा विधि, इसमें गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके गणपति के व्रत का संकल्प ले। इसके बाद दोपहर के समय गणपति की मूर्ति या फिर उनका चित्र लाल कपड़े के ऊपर रखे। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान गणेश का आह्वान करें। भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, चेनुओं और दुर्वा यानी घास चढ़ाए। इसके बाद गणपति को मोदक, लड्डू चढ़ाए और मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़े या सुने, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। गणपति बप्पा को लगाए भोग। गणेश जी को पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। मान्यता ये है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि गणपति जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता ये भी है कि तुलसी ने भगवान गणेश को लंबोदर और गजमुख कहकर शादी का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणपति ने उन्हें श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।